वेलकम बैक टू शिल्पकला बाय शिल्पा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं दुपट्टे का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। दुपट्टा बनाने के लिए मैंने 7 मीटर लेस यूज़ की है और ये नेट फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और इसकी विड्थ है 35 इंचेस। तो इस तरह से हमने नेट को अच्छे से बिछा लेना है। फिर उसके बाद हमने लेस को इस तरह से रख के ऑल ओवर स्टिच कर देना है। तो ये हमने लेस स्टिच कर ली है, इसको हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। अब इसके बाद हम अपने दुपट्टे के बीच में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ और पर्ल को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू को यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 पर्ल्स को फिक्स करते जाना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस तरह से हमने पूरे दुपट्टे पे पर्ल्स फिक्स कर लेने हैं। तो ये हमने इस तरह से दुपट्टे पे डिज़ाइनिंग कर ली है। अब हम लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए मैंने बचा हुआ लेस का टुकड़ा लिया है और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। ये हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने इसको इस तरह से फ्लिप करके सीधा कर लेना है। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमें इसको एक तरफ से सुई धागे की मदद से स्टिच कर देना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमें इसको एक साइड से खुला छोड़ना है अभी। तो हम कोई भी पुराना कपड़ा लेंगे और उसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे और उसको हम इस तरह से भर लेंगे। सारे पीसेस को हमने भर लेना है और अब हम इसको भी स्टिच कर देंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं इसमें पर्ल्स ऐड करूँगी। तो इस तरह से 1 बाय 1 पर्ल्स हमने ऐड करने हैं और इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। और अब हम इसकी दूसरी साइड में भी पर्ल्स ऐड करेंगे। इस तरह से हमने पर्ल्स ऐड करने हैं और इसको दुपट्टे के कोने पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने दुपट्टे के कोने के साथ इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा छोटू सा लटकन बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा दुपट्टा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स।